दोस्तों नमस्कार, मैं लक्ष्मीकांत पंडित तत्काल टाइम्स न्यूज़ में एक बार आपका फिर स्वागत करता हूं और हम फिर हाजिर है भारतीय रेल के बारे में जानकारी लेकर। दोस्तों, निजीकरण की ओर बढ़ रहा भारतीय रेल ने कुछ ट्रेनें चलाई है। जैसे आपको याद होगा, पिछले साल लखनऊ से दिल्ली, दिल्ली से लखनऊ तेजस एक्सप्रेस पहले निजी ट्रेन चली थी और इसी को आगे बढ़ाते हुए भारतीय रेलवे ने प्रतिसाद देखते हुए अब अपनी इस योजना को आगे बढ़ाया है और लगभग 500 प्राइवेट ट्रेनों के बारे में विचार हो रहा है या उनके बारे में प्लानिंग बन चुकी है और उसी तर्ज पर लगभग 750 स्टेशन भारत के विभिन्न क्षेत्रों के, उनको रखरखाव के लिए निजी कंपनियों को सौंपे जाने का भी प्लान बन चुका है और जल्दी ही अमल में आ जाएगा। भारतीय रेल की कुछ सुपरफास्ट ट्रेनें भी हैं जिनको कुछ समय चलाया जाने वाला है, जो कि दिल्ली मुंबई, दिल्ली पटना, प्रयागराज से पुणे और दादर से बड़ोदरा गुजरात तक के लिए ये रूट कुछ फाइनल किए गए, जहाँ सुपरफास्ट ट्रेन चलेगी और ऐसी उम्मीद की रही जल्द ही एक निजी ट्रेन लखनऊ से जम्मू तक के लिए चलने वाली है। तो दोस्तों, भारतीय रेल का ये निजीकरण का जो सिलसिला चल रहा है उसका मूल उद्देश्य ये है कि यात्रियों को अच्छी सुविधा मिले और कम से कम दुर्घटना हो। इस तरह भारतीय रेल अपने आप में खुद एक परिवर्तन लाकर, सकारात्मक परिवर्तन लाकर अपनी व्यवस्था को, सेवाओं को चुस्त दुरुस्त कर रहा है। उम्मीद है कि भारतीय रेल उत्तरोत्तर प्रगति करते रहे और हम हमेशा की तरह इस पर गर्व करते रहें। धन्यवाद।